भारतीय रेल द्वारा बनाया जा रहा चिनाब ब्रिज कश्मीर को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ेगा। इसका निर्माण कार्य 2021 तक पूरा हो जाने की संभावना है। देश के एक दुर्गम इलाके में बन रहा यह पुल कश्मीर में उधमपुर से बारामूला तक के 271 किलोमीटर रेलवे रूट का एक हिस्सा होगा। इसे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है। चीन के सबसे ऊंचे पुल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ता ये पुल 1315 मीटर लंबा है। ब्रिज की लंबाई में उत्तर की तरफ 650 मीटर लंबा वायाडक्ट है। आर्क यानी मेहराब की लंबाई 480 मीटर है। नदी तल से ऊंचाई 359 मीटर है। नदी सतह से ऊंचाई 322 मीटर है। चिनाब ब्रिज इंजीनियरिंग की कई चुनौतियों से भरा है। कटरा से बानीहाल का 111 किलोमीटर लंबा बिहड़ हिस्सा ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। ये पुल कुछ हिस्सों में सीधा है तो कुछ हिस्सों में आर्क शेप्ड यानी मेहराब के आकार का है। मेहराब आकार का पुल भारतीय रेलवे में पहली बार निर्मित किया जा रहा है। चिनाब ब्रिज की खास संरचना में कुछ खास मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है। डेक सुपरस्ट्रक्चर के निर्माण के लिए E250C ग्रेड के उच्च गुणवत्ता का स्टील उपयोग में लाया जा रहा है। इस ग्रेड के स्टील में शून्य से नीचे के तापमान पर विशेष कठोरता होती है, जिससे ये अत्यंत ठंडे वातावरण में पर्याप्त डक्टाइल यानी कोमल बना रहता है। वहीं मेहराब के निर्माण में जेट ग्रेड स्टील का इस्तेमाल किया जा रहा है। निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती क्षेत्र में हिमालय की कमजोर क्षतिग्रस्त और जुड़ी हुई चट्टानें हैं। चट्टानों के जोड़ों के बीच दरारों को भरने के लिए फाउंडेशन एरिया को नींव डालने से पहले मजबूत किया गया। मेहराब खम्बों और ढांचों के घटकों और हिस्सों को खड़ा करने के लिए दुनिया का सबसे लंबा 915 मीटर विस्तार का दो केबल क्रेन इस्तेमाल किया गया है। एक क्रेन की क्षमता 20 मिलियन टन वजन उठाने की है। ये ब्रिज सर्वोच्च सेस्मिक जोन यानी जोन 5 में आने वाले भूकंप की तीव्रता को झेल सकता है। ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति झेल सकता है। ये हवा की 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को झेल सकता है। ये विश्व में सातवां सबसे बड़ा मेहराब आकार का पुल है। फ्रांस के आईफिल टावर से ऊंचे चिनाब ब्रिज की उम्र 120 साल आंकी गई है। तकनीक और इंजीनियरिंग के लिहाज से नायाब इस पुल के निर्माण से धरती का स्वर्ग देश के अन्य हिस्सों के और करीब आ जाएगा।